नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। सैथवार मल सभा के द्वारा 11 फरवरी को चंपा देवी पार्क में भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने बताया कि हम लोग 11 फरवरी को सैथवार मल महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आ रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। इस महारैली के सफल होने के बाद हम लोग अपने समाज के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आगामी चुनावों में हमें किसकी सरकार चुनी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का समाज राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक भागीदारी में समाज पीछे है, जिसके अंतर्गत ये महारैली बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों से अपील है कि इस महारैली में आकर इसको सफल बनावे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैथवार मल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने कहा, जैसे 11 फरवरी को सैथवार मल महाद्वार सभा द्वारा सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन है। उस महारैली में हमारे सभी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और उस महारैली को सफल बनाने के बाद हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर के जो निर्णय होगा, चूँकि हम लोगों जो है आज तक प्रशासनिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी में मेरा समाज सबसे पीछे है, उसी की रणनीति के तहत ये सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली बुलाई गई है। और ये महारैली करने के बाद हम लोग सभी समाज के लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। 2024 चुनाव से पहले इस तरह की रैली करना क्या माना जाए? 24 में चुनाव में भी प्रत्याशी उतारी सैथवार मल सभा? नहीं, सैथवार मल महासभा द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारी जाएगी, लेकिन सैथवार मल महासभा द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि किसको हमको वोट करना है, किसको नहीं करना है। ये निर्णय रैली के बाद हम लोग करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे लोग उसे समाज के अपने? देखिए, मैं अपने समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग इस संगठन को मजबूत करिए और 11 फरवरी को आकर के चंपा देवी पार्क में सैथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली को सफल बनाइए।